हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evkathy.in। अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है घन और घनमूल। अब चैप्टर के नाम जो मैंने पढ़ा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सेशन है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो एंड अगर उसमें आपको थोड़ी बहुत भी जो प्रॉब्लम्स हो रही है इंग्लिश के वर्ड्स की वजह से, वो अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर कर लोगे। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें एक्सरसाइज में जितने भी इंग्लिश वर्ड्स यूज होंगे उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो लिखा होगा। तो ये आप यहाँ पे कंसेप्ट समझ सकते हो एंड देन उस चार्ट की हेल्प से जब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करोगे वो भी आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं घन और घनमूल। तो घन क्या होता है, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस तरह से, जब हमने ठोस आकार पढ़े थे तो इस तरह से हमारे पास जो आकार होता है उसको हम बोलते हैं ये एक घन है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो घन हो रही है वो कौन से घन की हो रही है, जैसे मान लो अगर मेरे पास दो नंबर लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है इसका घन बताओ। तो यहाँ पे जो ये ऊपर 3 लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जैसे 2 है तो ये संख्या 3 बार इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 2 का आप घन निकाल रहे हो तो हो जाएगा 2 को गुणा करो 2 से, फिर से गुणा करो 2 से, मतलब 2 3 बार गुणा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 7 का घन निकालो तो आप क्या करो 7 को 3 से कर दो, वो गलत होगा। हमें 7 को 3 बार 7 से ही गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 7 और 7, 7 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 7 का घन निकल आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही कितना भी बड़ा आपके पास नंबर हो, मान लो आपके पास 6, 7, 8, इसका आपको घन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 6, 7, 8 को गुणा करेंगे 6, 7, 8 से, फिर से गुणा करेंगे 6, 7, 8। तो कोई भी आपके पास संख्या दे रखी हो उसको उसी से ही 3 बार गुणा कर देंगे तो इससे हमारा निकलता है घन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है पूर्ण घन। अब पूर्ण घन क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या ली 216। अब मुझे देखना है कि ये जो संख्या 216 है क्या ये पूर्ण घन है, और इससे हमें पता चलेगा कि पूर्ण घन होता क्या है। तो इसको देखने के लिए हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंडन। ये हम सबको पता होगा किस तरह से करते हैं। जैसे कि ये संख्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस टेबल में आ गई, 2 से हो जाएगी ये, तो यहाँ से हमने 2 से शुरू करेंगे, ये आया 1, 0, 8। फिर से 2 से करेंगे ये आ गया 5, 4। फिर से 2 से करेंगे ये आ जाएगा 2, 7। आगे ले जाते हैं इसे, ये हो गया 3, 9। फिर से 3 से करेंगे 3, 3, और अब हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 216 बराबर है 2 को गुणा करो 2, यहाँ पे कितनी बार आया है 2, 3 बार, तो 1, 2, 3, और उसके बाद इसमें गुणा होगा 3, कितनी बार आया है 3 बार, तो 1, 2, 3 दो बार आया, अब उसके बाद 3, 3 बार आया, तो 3, 3, 3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 2 है वो कितनी बार आया है 3 बार, और ये जो 3 है ये भी 3 बार आया है। और हमें पता है जब हम घन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था वो 3 हिस्सों में बटता है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, 2 भी 3 बार आ रहे हैं, 3 भी 3 बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर इस तरह से होता है तो ये जो हमारी संख्या है ये एक पूर्ण घन है। समझ में आया? तो इस तरह से आपके पास प्रश्न आ सकता है कि आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो पूर्ण घन है या नहीं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ये तो अभी हमने देखा इसका हमने अभाजन गुणनखंडन किया तो हमें मिल गया कि ये एक पूर्ण घन है। अब अगर मैं इसकी जगह लेती हूँ संख्या 100, तो अब हमें देखना है क्या ये जो 100 संख्या है ये पूर्ण घन है या नहीं। तो फिर से हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे लिया हमने 100, 2 से शुरू करते हैं ये आ गया 5, फिर से 2 से करेंगे ये आ गया 25, अब 5 से करते हैं 5, 5, 1। तो अब अगर इसको मैं लिखूं तो ये होगा 100 बराबर होगा 2 कितनी बार आ रहे 2 बार, 5 कितनी बार आ रहे 2 बार,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो भी दो बार आ रहा है, पांच भी दो बार आ रहा है, जबकि अगर ये पूर्ण घन होता तो दो को भी तीन बार आना चाहिए था और पांच को भी तीन बार आना चाहिए था, क्योंकि ये तीन तीन बार नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये जो सौ संख्या है ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आपके पास आ सकता है कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर आपको बताना होगा कि वो पूर्ण घन है या नहीं। तो कैसे बताओगे आप? उस संख्या का अभाज्य गुणन खंडन करोगे और देखोगे कि जो आपके पास आए हैं क्या क्या वो तीन तीन है, अगर है तो वो पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं। अब इसके इसी जो हमारा ये टॉपिक है इससे हमारे और भी प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। अब हम इसी टॉपिक में बात करते हैं और किस तरह का प्रश्न आ सकता है। एक तो हमने देख लिया आपको संख्या दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पूर्ण घन है या नहीं। एक प्रकार का प्रश्न इस तरह से भी आता है कि आपको एक संख्या दे दी है, अब उस संख्या को वो बताएंगे कि ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, लेकिन कोई एक छोटी सी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको हम इससे गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाए। उदाहरण लेते हैं, मान लो हमें दे रखा है 392। अब ये जो संख्या है ये हमें बताई गई है कि ये पूर्ण घन नहीं है। हमसे क्या पूछा है? एक ऐसी संख्या बताओ जिसको हम इस संख्या से गुणा करें। यहाँ पे मैंने तीन लिख दिया, तीन नहीं है, हमें ये देखना है किससे गुणा करें कि वो एक पूर्ण घन बन जाए, मतलब इस संख्या को किससे गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। अब ये संख्या हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम फिर से वही करेंगे, इसका अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। दो से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा एक, 19 होगा, 9 होगा और ये हो जाएगा 6। फिर से दो से करेंगे, ये हमारे पास आएगा 9, 8। फिर से दो से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4, 9। सात से कर सकते हैं हम, ये आएगा 7, 7 और ये बचा एक। तो इसको हम लिख सकते हैं 392। किसके बराबर होगा? दो तीन बार है और सात दो बार है। ठीक है, अब हमें देखो इस ये जो संख्या है इसको पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन ही किस तरह से होता? अगर दो तीन बार होता और सात तीन बार होता। अब यहाँ पे दो हमारे पास तीन बार है लेकिन सात कितनी बार है? दो बार है। अगर सात भी एक और बार होता, मतलब अगर यहाँ पे सात एक और बार गुणा हो रहा होता तो ये पूर्ण घन बन जाता। अगर इसमें है नहीं, ये बस मैं लिख के बता रही हूँ, अगर इस तरह से होता तो सात तीन बार हो जाता, दो भी तीन बार होता तो ये पूर्ण घन बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। और हमसे जो पूछा था, क्या पूछा था? कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो क्या कमी है हमारे पास? सात की। तो इसका मतलब हो जाएगा, उत्तर में आ जाएगा आपके पास सात। अगर हम इस संख्या को सात से गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह से करना है और देखना है कि किस संख्या की जरूरत है उसको पूर्ण घन बनाने में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो किस प्रकार का अगला प्रश्न आ सकता है। अब हम बात करते हैं, इस जैसे अभी हमने देखा कि हमसे पूछा जा सकता है कि आपको एक संख्या दे रखी है, आपको एक ऐसी छोटी संख्या बतानी है जिससे हम जो संख्या दे रखी है उसको गुणा करें और वो पूर्ण घन बन जाए। इसी तरह से आपके पास प्रश्न आ सकता है, अब फिर से आपको एक संख्या दे रखी होगी और आपको पूछा जाएगा कि उस संख्या को किस संख्या से भाग करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो उसमें क्या करेंगे? फिर से उदाहरण लेते हैं, ये हमने ले लिया संख्या, अब ये संख्या हमें पता है पूर्ण घन नहीं है, आपको देखना है कि इस संख्या को किससे भाग करो कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो फिर से हम उसी तरह से करेंगे, ये थ्री से स्टार्ट करते हैं हम, तो ये आएगा 3 2 6 21 7। फिर से थ्री से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। फिर से थ्री से करेंगे 3 3 और 1, तो ये हमारे पास आ गया, बराबर हो गया ये 3 3 3 और 3, इस तरह से आ गया। अब देखो हमें अगर ये कोई भी संख्या है वो पूर्ण घन होगी तो हमें पता है कि वो तीन बार आती है, तो यहाँ पे जो 3 है वो
तीन से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब चार बार आ रहा है। तो अगर मुझे इसे पूर्ण घन बनाने मुझे सिर्फ तीन बार चाहिए, मेरे पास फालतू क्या है, ये तीन नंबर। तो अगर मैं इस पूरे को तीन से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, तीन बचेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो जैसे जब हमें गुणा करने के लिए पूछा था तो हम देखते हैं कि कौन सी संख्या की जरूरत है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी संख्या फालतू है। अगर ये तीन हट जाए तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमें संख्या दे रखी है उसको अगर हम तीन से भाग कर दें फिर जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण घन होगा। समझ में आया? तो इस तरह के आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। ध्यान रखना है कि भाग करने के लिए पूछा है या गुणा करने के लिए पूछा है। अगर गुणा करने के लिए पूछा है तो आप देखोगे कौन सी संख्या की कमी है उससे गुणा कर दोगे, और अगर भाग करने के लिए पूछा है तो कौन सी संख्या फालतू है उससे उसको भाग कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है घनमूल। अब घनमूल क्या होता है, देखो अभी तक आपके पास अगर कोई संख्या है, जैसे छोटी सी संख्या लेते हैं, मान लो हमने दो ले लिया। अब इस संख्या का अगर आपको घन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको तीन बार गुणा कर देते हैं। अब अगर आपके पास संख्या दे रखी है, मान लो आपको ये संख्या दे रखी है, अब पूछा जाए कि इस संख्या का घन मूल निकालो, सबसे पहली बात तो घनमूल का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका घनमूल निकालो तो इसका मतलब है कि आपको वो संख्या निकालनी है जिसको अगर मैं तीन बार उसी संख्या से गुणा करूं तो ये संख्या आ जाए। मतलब कि घन निकालने के लिए हम इस संख्या को तीन बार गुणा कर देते हैं। घनमूल में हमें जानना है कि कौन सी संख्या को तीन बार गुणा करके ये संख्या आएगी। ठीक है, समझ में आया क्या होता है। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। तो हम उदाहरण यही ले लेते हैं, अगर मेरे पास संख्या ये दे रखी है, अब मुझे इसका घनमूल निकालना है। इसका वही तरीका है जैसे अभी हम सब करते आ रहे हैं, उसी तरीके से इसको दो से करेंगे ये आ गया पांच सो, फिर दो से करेंगे ये आ गया ढाई सौ, फिर दो से करेंगे ये आ जाएगा 125, फिर इसको पांच से करेंगे तो ये आ जाएगा दो पांच, फिर पांच से करेंगे पांच और एक, तो हमारे पास आ गया 1000 बराबर होता है दो 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 पांच पांच पांच। तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज तो देखोगे कि ये जो था ये एक पूर्ण घन था, तभी हमारे पास जो दो है वो भी तीन बार आया है, पांच है वो भी तीन बार आया है। पर हमें निकालना है कि ये पूर्ण घन तो है पर किसका, तो क्या करेंगे, ये जो तीन बार दो है तीन की जगह इसे एक बार लेंगे, पांच बार है एक बार ले लो, क्या आ गया हमारे पास दो को पांच से गुणा करो, दो को पांच से गुणा करेंगे तो आएगा 10। इसका मतलब है कि 1000 का घनमूल 10 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर इसका घनमूल 10 है तो 10 का घन 1000 होगा। समझ में आया? इस तरह से अगर आपको घनमूल निकालने के लिए आए तो हम इस तरह से निकालते हैं। इसके साथ ही हमारे ये टॉपिक और ये चैप्टर खत्म होता है। बट अभी यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम देखेंगे जो हिंदी में वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेशली जो एक्सरसाइजेस में इंग्लिश के वर्ड्स यूज हुए हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर जिसमें हमारे पास सबसे पहले है घन जो कि इंग्लिश में होता है क्यूब, उसके बाद है घन मूल मतलब कि क्यूब रूट जो कि हमारा चैप्टर का नेम है, घन और घनमूल मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसके बाद है पूर्ण घन जो कि होता है परफेक्ट क्यूब, उसके बाद है अभाज्य गुणनखंडन जो कि हम बहुत बार यूज करा है इसमें, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है गुणनखंड जो कि होता है फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे शब्द है जो कि आपको दिखेगा इंग्लिश में हमने बहुत बार यूज किए हैं, अब आपको उनका मतलब भी समझ आ जाएगा। तो अगर आप वहां से पढ़ रहे हो आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो ताकि जब आप पढ़ो तो आपको ये हेल्पफुल हो। ओके, सो इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।